हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा उपायुक्त कार्यालय सोलन के सभागार में आचार्य दिवाकर दस शर्मा की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता संस्कृत भारती के प्रांत संगठन मंत्री नरेंद्र ने की। समारोह में संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे ने स्वतंत्रता संग्राम कालीन संस्कृत साहित्य और डॉक्टर विवेक शर्मा ने वेदों में राष्ट्र चिंतन तथा डॉक्टर ओमकार चंद ने संस्कृत साहित्य में राष्ट्रवाद विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए। संस्कृत शोध संस्थान के निदेशक केशव शर्मा ने आचार्य दिवाकर दस शर्मा के संस्कृत और संस्कृति पर विशिष्ट योगदान पर उल्लेख किया। संस्कृत सम्मेलन में सोलन के स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने संस्कृत श्लोक उच्चारण वेद मंत्र पाठ तथा संस्कृत गीतिका इत्यादि पर भव्य कार्यक्रम किए। विभाग के सचिव डॉक्टर करम सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में संस्कृत को द्वितीय राज्य भाषा घोषित किया जाए क्योंकि संस्कृत एक वैज्ञानिक व्यावहारिक कंप्यूटर के लिए सर्वदा उपयुक्त और प्राचीनतम भाषा है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद संस्कृत में है। संस्कृत में धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान विज्ञान योग उपासना अध्यात्मक आदि समस्त विषय संस्कृत में लिखित हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में संस्कृत का पठन पाठन हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के प्रख्यात विद्वान आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा राज्य स्तरीय जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर अकादमी द्वारा वेद और संस्कृत साहित्य में राष्ट्र चिंतन वर्तमान स्थिति संस्कृत और संस्कृति की उपयोगिता उसका महत्व और वर्तमान परिदृश्य में उसकी उपयोगिता पर चर्चा की गई है। संस्कृत भारत हिमाचल प्रदेश हिमाचल अकादमी और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों से यहाँ उपलब्ध विद्वानों ने परिचर्चा के पश्चात एक स्वर में ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा घोषित किया जाए। हिमाचल प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय की यथाशीघ्र सरकार द्वारा स्थापना की जाए और पाठ्यक्रमों में आधुनिक पाठ्यक्रमों के साथ संस्कृत भाषा को जोड़ करके विभिन्न उपयोगी विषयों का पठन पाठन किया जाए।